हेलो पब्लिक। अच्छा 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 दत्ता आई थिंक व्हाट ओ व्हाट। सो हेलो पब्लिक, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। कैसे आप सब लोग? ठीक, बढ़िया, मस्त। सो आज का वीडियो बहुत क्रेजी होने वाला है क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम मेरे YouTube चैनल पे, मम्मी को तो मैं लेके आते रहता हूँ पर आज दोनों को एक साथ नहीं लेके गया, मम्मी और डैडी को मेरे चैनल पे। और ये क्रेजी वीडियो बनने वाला है, तो वन ऑफ माय बेस्ट वीडियो होने वाला है। तो मम्मी डैडी का रिएक्शन देखेंगे। तो ये वीडियो में क्या बताऊं, हू नोस मी बेटर चैलेंज है। तो एक 5 to 6 क्वेश्चंस रहेंगे मेरे बारे में, तो ये दोनों को बोलना पड़ेगा करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद मैं थोड़ा रिएक्शंस लूंगा मेरे पोस्ट के, मेरे इंस्टाग्राम पोस्ट के, तो देखिए कैसा लगता। और फर्स्ट क्वेश्चन अपन स्टार्ट कर दिए क्या डायरेक्ट? पहली बात तो मेरे चैनल पे है, तुम लोग दोनों कैसा लिख रहा है अभी? बढ़िया, हैप्पी। मेरे चैनल पे आज अच्छा लिख रहा है, प्रोडक्शन बहुत हाई है, लाइटिंग वाइटिंग सब फिक्स है और माइक सेटअप वगैरह भी सही है। तो अभी क्वेश्चन बोला तो मेरे बारे में कितना जाते दोनों, वो है असली मैटर। ठीक है, आज मम्मी डैडी के साथ एक क्वेश्चन, एक Q&A लगाएंगे छोटा, तो Q&A में कौन पास होते कौन फेल होते कौन मेरे को ज्यादा जाते वो देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन दोनों के लिए, ठीक है? अब वो तो क्या बकवास, फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, सीरियस बनो तो। सीरियस डैडी, फर्स्ट क्वेश्चन, मेरा फेवरेट फूड क्या है? मेरा फेवरेट फूड चिकन, अंडा भुजी। तो चिकन अंडा भुजी भी दो भी है, नॉनवेज में कुछ भी खिलाता है। ठीक है, फिर चलता चिकन, चिकन का जाएंगे आप 1 point। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, ये तो बहुत इजी है, बचपन से देखते यार। मेरा फेवरेट हीरो ऋतिक रोशन। क्या बात, वी लव यू ऋतिक। तो अब थर्ड क्वेश्चन में फुल डाल ले तो मेरे को खत्म हो गया। मेरे बारे में एक के बाद एक बोला, ठीक है? मेरे बारे में दो अच्छी चीजा और दो बुरे चीजा। पहले मम्मी, दो अच्छी चीजा। नहीं, दो बुरे चीजा बोलो, एक बुरा एक अच्छा, नहीं दो बुरे चीजा बोलो, लेट उठता बोलो, तुम्हारा भी बोला है जोर से बोलो, दो बुरे चीजा मैं सता तो कहते क्या तुम लोग दिखता मैं सता तो। ठीक है, दो अच्छे चीजा हर बात शेयर करते हैं घर में, अच्छा लगता है। एक हो गया, दूसरा जो भी है खुल के बोलते हैं। ठीक है, दो बुरे चीजा दो अच्छे चीजा मेरे बारे। बुरे चीजा जल्दी नहीं उड़ता सुबह में। अरे वो सेम हो गया, अरे थक जाते क्या। ठीक है, देख अच्छा, और एक बुरा, और एक बुरा, और क्या होगा, और क्या देखेगा इसमें कितना अच्छा हो, बुरे चीजा ढूंढना पड़ रहा। अरे कुछ भी नहीं है। अच्छा, दो अच्छे चीजा, काम करेक्ट टाइम पे करता, ड्यूटी करेक्ट जाता, ये एक हो गया, बच्चों को बहुत अच्छा ट्रेन करता। ओके ओके ओके, तो अगर टीचर अच्छा होगा, टीचिंग में बहुत अच्छा, अच्छा तालियां बजनी चाहिए गाइस, वेरी गुड, बहुत बेस्ट बोला, यूट्यूबर बेस्ट यूट्यूबर है। हाय ब्लॉग, वेलकम टू माय गाइस, शट शट डाउन। इसी बात पे 1K सब्सक्राइबर्स कर दो जल्दी। फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला थोड़ा तो कोई मालूम है वैसे तो, मेरे क्लोज फ्रेंड्स के नाम बोलो, दो तुम बोलो तो मर्जी, चलो बोलो। प्रणय सिद्धू, वाव नाइस। नेक्स्ट, ये दोनों ही मेरे, नहीं साक्षी दत्तश्री, बराबर करेक्ट है। चलो वो तो मालूम है। ये थोड़ा क्वेश्चन कैसा बोले तो,
स्टार्टिंग में चले आने का क्वेश्चन है। जैसे कि मैं जब डांस स्टार्ट करने वाला हूँ, तुम लोगों को बताया तुम दोनों को, तो तुम्हारा रिएक्शन क्या है, वो तो तुम क्या सोचे डांस में, अगर जैसे कि अभी हर कोई इंजीनियर बनना चाह रहा, डॉक्टर बनना चाह रहा, या फिर कुछ अलग बोलते तो पढ़ के कुछ बनना चाह रहा ना, तो तुम लोग क्या सोचे, मैं डांसर बनना चाह रहा हूँ, तुम दोनों से शेयर करा ना, तो तुम क्या सोचे, तुम क्या सोचे वो बोलो। बोलो मैं तो सोचा था डांसर से, डांसर नहीं बन के पहले तो मैं सोचा था कोई अच्छा अच्छा पढ़ के कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऐसा बनता बोल के सोचा था, लेकिन तेरे इंटरेस्ट को देख के मेरे को यही बेस्ट है बोले ऐसा लगा, और बेस्ट है तू इसमें, तो उसमें मेरे को रियलाइज हो गया कि तेरे को यही ठीक है। तो अभी कैसा दिख रहा फिर, वो करेक्ट डिसीजन या मेरा डिसीजन करेक्ट निकल गया? चलो अच्छा है फिर। अच्छा तो तुम्हारा कैसा? सेम टू यू सेम टू यू सेम पिच लो, ये नहीं चलता फ्रॉड है। तो नो क्वेश्चंस, अभी लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, ठीक है? रेडी रेडी लास्ट फाइनल क्वेश्चन क्या बोलता, जैसे डांस का बोला अभी, वैसे अगर मैं यूट्यूब स्टार्ट करा ना, मैं लास्ट ईयर से यूट्यूब स्टार्ट करा, तो आप लोगों का रिएक्शन क्या कि मैं यूट्यूब स्टार्ट करा बोल के? पहले तो मालूम नहीं था स्टार्ट कर सो, पता तक मालूम नहीं क्या बाहर वाले क्या सोचते क्या सोचते थे। तो अभी अभी मैं यूट्यूब स्टार्ट करा रहा, तो तुम्हारे तरफ के पूरे फैमिली मेंबर्स को मालूम हो गया मैं यूट्यूब स्टार्ट करा, हो गया तो क्या रिएक्शन है फिर, उधर से कुछ बोले क्या? बोल रहे तेरे बच्चा क्या कर रहे हैं, हमारे मालूम है क्या करते सर। ओके तुम्हारे? मेरे तो YouTube चालू करे जब नहीं मालूम हुआ था, बाद में मालूम हुआ तो दोस्ता बहुत सारे लोग बोलना शुरू करे, तुम्हारा बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा YouTube में, बहुत अच्छा ये कर रहा और डांस भी बहुत अच्छा है तुम्हारे बच्चे का, क्योंकि तुम्हारे बच्चे के नंबर से हम देख रहे ना वो जो सो, तो उस वजह से उन्होंने बहुत जने तारीफ करने लगे। लिंक शेयर कर रहे तो देख रहे थे, तो बहुत जने तारीफ करना शुरू करे, तो कुछ लोग को समझ में नहीं आता, मतलब यहाँ के हैदराबाद के लोगों की मेंटालिटी अलग है, अलग है। और एक क्या है, मुंबई की मेंटालिटी यहाँ की मेंटालिटी में बहुत फर्क है। सर, और एक क्या मालूम है, यहाँ के हैदराबाद के लोगों को पूरा ही नॉलेज नहीं है इस बारे में, क्योंकि हमारे कपड़े के लाइन में भी मैं जानता हूँ, मैं जहाँ पे मुंबई में कंप्लीट हो जाता वो पैसा फैशन, बाद में इधर आता, तो इसका भी मेरे को वैसे लग रहा अभी ट्रेंड खत्म होने यहाँ शुरू होता, क्या है क्या नहीं बोलते सो। तो अभी अपना फैमिली रिएक्शन कैसा है? फैमिली रिएक्शन अच्छा है, अब पहचान रहे, अब एक टाइम पे अलग सोचते थे, अब समझ में आ रहा था, अब तो खाली तेरे को वीडियो में देख के पहचान रहे, तो दावा तो मैं नहीं आता लेकिन वीडियो में देख के पहचान रहे तेरे को, नर्सिंग का बेटा है बोल के। तो मैक्सिमम फैमिली फंक्शन अटेंड नहीं करता, मेरे काम में रहता, मेरे काम में बिजी रहता, तो ये दोनों जाते जाया था, हम लोग जाते नहीं, मैं मेरी बहन तो बिल्कुल जाते नहीं फैमिली फंक्शन को, हम लोग में भी बिजी रहा था। तो अभी क्या हो रहा है, बोलते रिकॉग्नाइज कर रहे हैं हम लोगों को वीडियोस में देख के करके, तो क्या अच्छा लगा, नाइस। तो बस यही था क्वेश्चन, और कुछ? नाइस, थैंक यू। पहचान रहे राहुल भाई, वो बुला रहे मिनिमम रहता मालूम ना मसला अपना। तो मैं ये यूट्यूब स्टार्ट जस्ट ऐसे हैज अ फन स्टार्ट करा था, क्योंकि उसके बाद नीचे कमेंट्स देखा, बहुत से लोग अच्छा रिस्पॉन्ड हुए और मिले, जब अच्छा ट्रीट कर रहे थे मेरे को, तो सोचा कि हाँ इसको कंटिन्यू क्यों नहीं कर सकते बल्कि, और बहुत से लोगों को मेरे फैमिली में मेरी डेली लाइफस्टाइल में भी थोड़ा इंटरेस्टेड थे, तो बोला कि चलो इसके व्लॉग्स बनाना स्टार्ट करेंगे वगैरह, और थैंक यू आप लोग जो जैसे सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा, और अच्छे से सपोर्ट करना प्लीज, जल्दी से जल्दी हम लोग 1K सब्सक्राइबर्स हिट करना है कैसा भी करके, तो एक 5-10 डेज में खत्म कर दो 1K सब्सक्राइबर्स, कैसा भी हो जाना है, तो प्लीज सपोर्ट करना, और अभी नेक्स्ट सेगमेंट में बढ़ेंगे। फ्यू मोमेंट्स लेटर, ये वीडियो का सेकंड सेगमेंट, मैं मम्मी को और डैडी को मेरा पोस्ट दिखा दो इंस्टाग्राम के, जो लोग नहीं देखते उनको, उनके पास ऑब्वियसली इंस्टा आईडी नहीं है ना, हमारा ये क्या बोलते हैं, हमारा ये लास्ट जनरेशन है जिनके मॉम डैड को फोन के बारे में वालों, स्मार्टफोन ने वालों, कुछ भी ने वालों, बट फोटोज पे रिएक्शन देखना चाह रहा हूँ, ये दोनों क्या देते फोटोज वीडियोस पे, तो आउट ऑफ 10 इन लोगों को पॉइंट्स देना है मेरे हर पोस्ट पे, ठीक है, समझ में आया ना क्या करना है, मैं जो भी पोस्ट दिखा दो, जो भी फोटो दिखा दो, या फिर जो भी वीडियो दिखा दो, आउट ऑफ 10 उसको मार्क्स देना, ठीक है, रेडी? चलो जनरल बोलना, ये देगी
बेटा पूरे टन वगैरह लगा रहा, ठीक है सो मेरा फर्स्ट फोटो रेडी, आप लोग दिखा दो पहले, दिख रहा राइट right? पहले मम्मी बहुत अच्छा है, टेन टू टेन अच्छा, क्या अच्छा दिख रहा, ड्रेसिंग स्मार्टनेस अच्छा, ठीक है जान दो तुम तो बोला बहुत अच्छा बना, एकदम एक्सेलेंट है, और जो सो एकदम हीरो वाला लुक है, 10 to 10 ये 10 to 10 है, हीरो वाला लुक है, रुक एक मिनट, सेकंड वाला तो सेकंड है ये, सेकंड तो बोला सुपर 10 to 9 वेरी गुड, ये तो 10 to 10 ही चाहिए क्योंकि ये बहुत अच्छा अच्छा लुक है, ठीक है अभी ना अभी एक वीडियो दिखाएंगे, ठीक है एक वीडियो दिखाएंगे, अभी अब म्यूजिक कट कर देता हूँ क्योंकि कॉपीराइट का इशू है, ठीक है डांस दिखाता हूँ तुम दोनों को, डांस वीडियो ये दिख रहा होगा, कॉपीराइट आता है इसलिए मैं ऑफ कर दिया म्यूजिक राइट, अब इन दोनों को दिखाई दिया बहुत अच्छा है, पॉइंट 10 to 10 ही है वो, बहुत अच्छा है वो, कुछ भी एकदम एक्सलेंट डांस है वो, कुछ भी बोलने नहीं आता, कम बोलने का आता चांस ही नहीं है, ओके नेक्स्ट ठीक है राइट 10 to 8 अब भी बड़े गीता कपूर बन रहे तुम बस, ये 10 to 9 है नाइन, ओके ये फोटो है 10 to 9 10 to 9 नाइन राइट 10 to 8 चिच्चोरा दिख रहा रोड़ी दिख रहा क्या अच्छा कितने दे रहे ये पॉइंट पे थोड़ा शेट दूसरा डालना था इसलिए 8 दे रहा हूँ अच्छा आना था शेट इमोशनल डैमेज ये वाला ये तो हीरो से कम नहीं है क्या दिख रहा नाइन कैसा दिख रहा अच्छा सुपर खाली सुपर दिख रहा हूँ खाली सुप्रीम ये तो ऋतिक रोशन के जैसा दिख रहा बस खत्म ब्लॉग खत्म ऋतिक रोशन जैसा दिख रहा यहाँ पे ऋतिक रोशन कहते हैं तो अभी नेक्स्ट ना ओके ये आ गई फोटो दीदी ठीक है ये कैसा दिख रहा अच्छा बस खाली अच्छा है बस कितने पॉइंट्स 8 तुम बोला कैसा 10 to 9 है भाई कैसा दिख रहा अच्छा है तो थोड़ा साइड लुक थोड़ा इधर दिखना था और अच्छा दिख रहा था तो टीका भी लगा लिया मैंने अरे मम्मी बहुत धार्मिक है ये फोटो अच्छा कैसा देखो देखना लुक सुपर है अच्छा है बस क्या पॉइंट्स है अमित 10 to 8 और मम्मी सही में गीता कपूर बन जा रहे हैं बहुत अच्छा है ये क्या है तो थोड़ा फेस का दबाइए 10 to 9 लगा दे 9 चलो कोई बात नहीं अब एक लास्ट 2 बता देंगे फिर फाइनल का तो मम्मी दोनों का लड़ाई वही चाहिए कि क्या कुछ भी रेगुलेशन सीधा बिठा दिया क्या कर रहा बोल के
ऐसी सा था, रैंडम बोलना रहता ठीक है। तो लास्ट टू फोटोज का दिखा देंगे अभी, ये फोटो है लास्ट सेकंड फोटो राइट। अभी इसमें मैं कैसा दिख रहा हूँ, ये लुक बोलो। ऋतिक क्वेश्चन वाला लुक है, ऋतिक बोल के नाइन का इज्जत निकाली है। ऋतिक रोशन के लिए जोरदार ताली। ये तो ऋतिक रोशन वाला स्टाइल है, अच्छा 10 को 10 है, 10 को 10 है, चलो वेरी गुड। अब लास्ट फोटो है ठीक है, देखिए ये लास्ट राइट। सो लास्ट एंड फाइनल फोटो कैसा दिखो? गालियां लिखी नहीं, 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 वो हीरो है, रियल हीरो है, बात बोलने के लिए सर मिला मैं। हां सोने सुखे अच्छा है, अच्छी बात। 2 points 10 to 10 डैडी ये बहुत अच्छा है। और ये राहुल राज हीरो का लुक है, और 10 को 10 है। आ गया अभी राहुल बोलना सर, बोल रहे नहीं सर। ऐसा मीन्स मजा आया, मम्मी डैडी को फर्स्ट टाइम मैं वीडियो में लिया, तो थोड़ा फन थोड़ा एंजॉय करे। और लास्ट में यही मैसेज है, बस एंजॉय करो घर में, काम ना करो, मम्मी को सताओ डैडी को सताओ, ऐसा बिल्कुल नहीं बोलो। अच्छा ठीक है ठीक है, तो लास्ट में यही मैसेज है, बस अपने माँ बाप को खुश रखो। कैसा लगा? अरे बोलो, मोरल ऑफ द स्टोरी इज अपने माँ बाप को खुश रखो। इमोशनल डैमेज हो जाता है। तो बस लास्ट में ये कि पेरेंट्स के साथ खुश रहो, और पेरेंट्स को रेस्पेक्ट दो, बड़ों को रेस्पेक्ट दो, पेरेंट्स को खुश रखो, बड़ों की रेस्पेक्ट दो। मम्मी डैडी को ऐसी थोड़ा बहुत ऐसा सता लेना, चलता है ऐसा थोड़ा बहुत। सो होप यू गाइस एंजॉयड माय टुडेस वीडियो, बस आप सो होप यू गाइस एंजॉयड माय टुडेस वीडियो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट भी कर देना नीचे। यूट्यूब तो वीडियो वायरल होती है अपनी, तो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, और अपना जल्दी 1000 सब्सक्राइबर्स कर दो, तो हम लोग पार्टी करेंगे ठीक है। चलो मिलते हैं इन द नेक्स्ट व्लॉग, तब तक के लिए थैंक यू बोल दो। थैंक यू, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, थैंक यू वेरी मच। चलो हो गया ना, चलो मिलते हैं इन द नेक्स्ट व्लॉग, तब तक के लिए बाय।